और स्वागत है आपका कहानियों का अनोखा अंदाज के मंच पर। पिछले कुछ समय से मैं आपको महाभारत काल की वो कहानियां सुना रहा हूं जो ज्यादातर अनकही और अनसुनी है। आपने महान योद्धा बर्बरीक की कहानी सुनी, हस्तनापुर का महाभारत युद्ध के बाद क्या हश्र हुआ ये जाना, शरशैया पर पड़े भीष्म के श्री कृष्ण के साथ हुए संवाद को सुना। आज प्रस्तुत है महाभारत के एक अन्य पात्र विकर्ण की कहानी। विकर्ण कुरु सम्राट धृतराष्ट्र एवं गांधारी का 19वां पुत्र था। महाभारत में दुर्योधन और दुशासन के अतिरिक्त केवल विकर्ण ही था जिसकी प्रसिद्धि अधिक है। अन्य कौरवों के बारे में लोग ज्यादातर नहीं जानते हैं। वैसे तो युयुत्सु भी धृतराष्ट्र का एक प्रसिद्ध पुत्र है, किंतु दासी पुत्र होने के कारण उसे वो सम्मान नहीं मिला जिसका वो अधिकारी था। हालांकि कौरवों में केवल युयुत्सु ही ऐसा था जो महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बच गया था। कौरवों में विकर्ण ही ऐसा था जो अपने अच्छे चरित्र के कारण जाना जाता था। कहते हैं कि सभी कौरव बचपन में सच्चरित्र ही थे, किंतु दुर्योधन और दुशासन की संगति के कारण वे सभी उनके समान अधर्मी हो गए। लेकिन उनमें केवल विकर्ण ही एक ऐसा था जिसने अपने चरित्र और विचार को कभी गिरने नहीं दिया। महाभारत में बचपन में विकर्ण द्वारा दुर्योधन को भीम से द्वेष न रखने की सलाह देने का वर्णन भी मिलता है। इसके अलावा भी विकर्ण दुर्योधन को समय समय पर उपयुक्त सुझाव देता रहता था। दुर्योधन भले ही अहंकारी था, किंतु अपने भाइयों से बहुत प्रेम करता था। दुर्योधन द्वारा उसके किसी भी भाई के प्रति किसी भी प्रकार के द्वेष का वर्णन महाभारत में नहीं मिलता है। वो चाहे अपने भाइयों की बातों पर अमल ना करता हो, किंतु उनके सुझावों को महत्व अवश्य दिया करता था। कौरवों में से केवल विकर्ण ही ऐसा था जिसने बार बार दुर्योधन को पांडवों के साथ संधि कर लेने का परामर्श दिया था। हालांकि उसकी इस बात को किसी ने भी महत्व नहीं दिया। द्रौपदी स्वयंवर में भी विकर्ण दुर्योधन के साथ उपस्थित था। अन्य कौरवों के साथ विकर्ण की शिक्षा भी पहले कृपाचार्य और फिर बाद में द्रोणाचार्य गुरु के साथ संपन्न हुई। वैसे तो विकर्ण कई प्रकार के अस्त्र और शस्त्र के संचालन में निपुण था, किंतु उसकी कुशलता धनुर्विद्या में अधिक थी। कर्ण और अर्जुन जैसे धनुर्धर के होते हुए विकर्ण को कभी भी एक महान धनुर्धारी के रूप में प्रसिद्धि नहीं मिली, किंतु महाभारत इस बात का कई स्थानों पर उल्लेख है कि विकर्ण भी एक अद्भुत धनुर्धारी था। स्वयं द्रोणाचार्य भी विकर्ण की धनुर्विद्या के प्रशंसक थे। महाभारत युद्ध से पहले कौरव और पांडव पक्ष के योद्धाओं का वर्णन करते हुए पितामह भीष्म ने विकर्ण को रथी की श्रेणी में रखा था और उसकी गिनती कौरवों के प्रमुख योद्धाओं में होती थी। आपने तो सुना ही होगा महारथी। वैसे ही रथी एक ऐसा योद्धा माना जाता है जो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के संचालन में निपुण है तथा दो अर्धरथियों को अर्थात 5,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना एक साथ कर सकता है। जब जुए में पराजित होने के बाद पांडवों को दास बनाकर उनका अपमान किया गया, उस समय तो विकर्ण ने कुछ नहीं कहा, किंतु जब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण का आदेश दिया तो यह देखकर उस सभा में कोई अन्य उस अन्याय का विरोध नहीं कर रहा था। उस सभा में महात्मा विदुर के अतिरिक्त केवल विकर्ण ही ऐसा था जिसने द्रौपदी के चीरहरण का खुले रूप से विरोध किया। ऐसा वर्णन है कि विकर्ण द्वारा इस प्रकार विरोध करने पर दुर्योधन इतना क्रोधित हुआ कि वो विकर्ण की हत्या करने के लिए उठ गया। हालांकि बाद में कर्ण ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। चीरहरण का विरोध करते हुए विकर्ण ने एक ऐसा तर्क भी दिया था जिससे दुर्योधन समेत समस्त कौरव निरुत्तर हो गए थे। विकर्ण ने कहा, हे भ्राताश्री, महाराज युधिष्ठिर ने भले ही भाभी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया हो, किंतु केवल वे ही उनके पति नहीं है, अन्य पांडव भाई भी तो द्रौपदी के पति हैं और उनका भी उन पर उतना ही अधिकार है जितना भ्राता युधिष्ठिर का। इसलिए बिना अपने भाइयों की सहमति लिए अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का भ्राता युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था। अतः चौसर का यह दांव अमान्य घोषित होना चाहिए। विकर्ण के ऐसा कहने पर दुर्योधन निरुत्तर हो गया, किंतु कर्ण आदि के विभिन्न तर्क सुनकर और अभिमान के वश में आकर उसने अपने छोटे भाई की बात नहीं सुनी। महाभारत युद्ध में भी विकर्ण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भीष्म, द्रोण, विदुर इत्यादि की भांति ही विकर्ण ने भी इस युद्ध को टालने के भरकस प्रयास किए, किंतु उसका हर प्रयास अंततः व्यर्थ ही रहा। ये जानते हुए भी कि वो अधर्म के पक्ष में है और कौरवों की पराजय निश्चित है, उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा और उसके पक्ष में युद्ध करने का निर्णय लिया था। यहाँ पर हमें विकर्ण में उसी प्रकार की भातृभक्ति दिखाई देती है जैसा राक्षस राज रावण के प्रति उसके छोटे भाई कुंभकर्ण की थी। कुंभकर्ण ने भी रावण के द्वारा किए गए कार्य की बुरी तरह निंदा की, किंतु अंत समय तक उसका साथ नहीं छोड़ा। वहीं दूसरी ओर दुर्योधन के एक अन्य भाई युयुत्सु की तुलना विभीषण से की जा सकती है, जिसने धर्म के लिए अपने भाई का साथ छोड़ दिया। युद्ध के चौथे दिन
विकर्ण ने अभिमन्यु को रोकने का प्रयास किया और दोनों में घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में विकर्ण ने कई बार अभिमन्यु का रथ पीछे हटा दिया, किंतु अंततः उसे अभिमन्यु के हाथों पराजय मिली। युद्ध के पांचवें दिन विकर्ण ने महिष्मति की सेना द्वारा बनाया गया सुरक्षा कवच अकेले ही तोड़ने का प्रयत्न किया, किंतु भीम के वहां आ जाने के कारण वो सफल नहीं हो पाया। युद्ध के सातवें दिन उसने अपने कई भाइयों को भीम के कोप से बचाया। युद्ध के दसवें दिन उसने अकेले ही अर्जुन और शिखंडी के रथ को भीष्म की ओर जाने से रोक दिया, किंतु फिर महाराज द्रुपद ने उसे द्वंद्व के लिए ललकारा, जिससे अर्जुन को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। महाभारत युद्ध में विकर्ण ने पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं चित्रयुद्ध और चित्रयोधिन का वध कर पांडव सेना को अशक्त किया। उनके अतिरिक्त भी उसने युद्ध में पांडव सेना के कई योद्धाओं का वध किया। पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं में विशेष रूप से उसका युद्ध नकुल, सहदेव और घटोत्कच के साथ हुआ, जिसमें उसने असाधारण वीरता का परिचय दिया। युद्ध के 14वें दिन जब भीम अत्यंत क्रोध में आकर दुशासन की खोज कर रहे थे, तब दुर्योधन ने विकर्ण को भीम को रोकने के लिए भेजा। जब विकर्ण भीम के सम्मुख आए, उसके सामने आए, तब उन दोनों के बीच जो संवाद हुआ वो बड़ा भावुक था। दुशासन को खोज रहे भीम ने विकर्ण को अपने सामने देखा तो कहा, हे अनुजा, तुम आज मुझसे युद्ध न करो, क्योंकि मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता। मैं भूला नहीं हूं कि किस प्रकार केवल तुमने पांचाली के वस्त्रहरण का विरोध किया था। आज यदि तुम मुझसे युद्ध करोगे तो अवश्य मेरे हाथों तुम्हारा वध हो जाएगा, अतः तुम जाकर किसी अन्य योद्धा से युद्ध करो। भीम को इस प्रकार बोलते देख विकर्ण बोले, हे भ्राताश्री, मुझे पता है कि मैं आपको पराजित नहीं कर सकता और आपसे युद्ध करने पर मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु फिर भी मैं अपने भ्राता के लिए आपसे अवश्य युद्ध करूंगा। मैंने द्युत समा में भाभीश्री के वस्त्रहरण का विरोध किया था, क्योंकि उस समय मेरा वही धर्म भी था, और आज इस रणभूमि में मैं आपको रोक रहा हूं, क्योंकि अब यही मेरा धर्म है। विकर्ण का यह वक्तव्य उसके उज्जवल चरित्र और दृढ़ निश्चय को प्रदर्शित करता है। तत्पश्चात विकर्ण ने भीम से युद्ध किया और उसके हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। विकर्ण की मृत्यु के बाद भीम के रुदन करने का भी वर्णन महाभारत में है। विकर्ण का मृत शरीर देखकर भीम रोते हुए कहते हैं, हे अनुजा, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार तुम सभी कौरवों में सबसे उत्तम चरित्र वाले थे। पितामह की भांति तुम्हें भी धर्म का ज्ञान था। आज तुम्हारा वध करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी पांडव को खो दिया। तुम जैसे भाई के प्राणों की रक्षा के लिए अगर मुझे अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़नी पड़ती तो मुझे उसका कोई खेद नहीं होता। विकर्ण की मृत्यु पर द्रौपदी को भी बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि चीरहरण के समय केवल विकर्ण ही था जो उसके पक्ष में खड़ा था। भले ही महाभारत में विकर्ण का चरित्र उतनी मुखरता से नहीं बताया है, किंतु इतिहास में उसका नाम सदैव एकमात्र सचरित धर्म का ज्ञान रखने वाले कौरव के रूप में अमर रहेगा। आशा करता हूं कि विकर्ण की यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगली बार फिर सुनेंगे महाभारत की ऐसी ही कोई अनसुनी और अनकही कहानी। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कहानियों का अनोखा अंदाज़।